वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 141 रुपये है और आज की डे में जो इसकी डे की क्लोजिंग है वो 0.3% हाई में इसने दी है। अब एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले फोरकास्ट के ऊपर आते हैं। अगर यहाँ देखोगे रिटर्न टू FD कंपेयर करोगे तो बेटर है, पर यह डिविडेंड नहीं पे करता कोई अट्रैक्टिव। फोरकास्ट पर किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। अब देखते हैं फाइनेंस। आप देखोगे जो उसकी लास्ट 5 ईयर की जो ग्रोथ रेट है रिवेन्यू की वो -17% है। जो इसका मार्केट शेयर है वो करीब 1.4% कम हुआ है और जो इसकी नेट इनकम है वो 30% उसकी ग्रोथ रेट है। अब रिवेन्यू देखते हैं लास्ट 4 ईयर का। 2018 में टोटल रिवेन्यू था 4,117 करोड़, जो घट के 2019 में 2,764 करोड़ हो गया। 2020 में 264, 2021 में 226, लगातार रिवेन्यू कम हो रहा है इसका। अब बात करते हैं नेट इनकम में। 2018 में इसको जो प्रॉफिट था 16 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में ये घट के 9 करोड़ के आसपास रह गया। 2020 में सिर्फ 39 लाख, करीब 40 लाख रुपए के आसपास इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। और 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़ा है, पर देखोगे रिवेन्यू भी कम हुआ है और प्रॉफिट कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर, ये अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, प्रमोटर कंपनी चलाना चाहती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। देखो म्यूचुअल फंड का ये है कि पहले तो बहुत कम होल्डिंग है, उसमें भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम करी है। DII की भी होल्डिंग ना के बराबर है। FII अपना पैसा निकाल चुका है और बाकी जो भी होल्डिंग है घूम फिर के आई है रिटेल के पास। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिस तरह इसका ट्रेडिंग पैटर्न है, ठीक है, लगातार कंपनी को लॉस हो रहा है और इसका रिवेन्यू एक टाइम पे कहाँ से कहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं किसी को नहीं बोलता आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत करना। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। अभी का जो है 171 रुपये प्राइस है और ये इसका जो पीक है यहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है 173 रुपये। अगर ये एक शेयर 173 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है तो उस कंडीशन में ना जो इसका टारगेट है वो 185+ के टारगेट के लिए बाय करना है। और जो हमारे पास SL आ रहा है 165 रुपये के SL के साथ, 165 रुपये के SL के साथ अगर 173 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है तो 185+ के टारगेट के लिए इसे आपने ट्रेड करना है। यही लेवल है इसमें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के साथ। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।